चुनावी समर के बीच हरियाणा विधानसभा चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे सरकार की ओर से घोषणाओं का पिटारा खोला जा रहा है। इसी कड़ी में हरियाणा सचिवालय में मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक हुई, अहम मीटिंग हुई। मीटिंग में कच्चे कर्मचारियों को लेकर सियासी मंथन के बीच मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ी घोषणा करते हुए प्रदेश के 1,20,000 कर्मचारियों की नौकरी को सुरक्षित करने का फैसला लिया। कच्चे कर्मचारियों को तोहफा, कच्चे कर्मचारियों की सेवा को सुरक्षित करने का फैसला लिया गया। हर साल अनुबंधित कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी, 1,20,000 कर्मचारियों को फायदा मिलेगा, 5 साल से अधिक काम कर चुके कर्मचारियों को फायदा मिलेगा, 5 साल पूरे हो चुके कर्मचारियों को 5% अधिक वेतन, न्यूनतम पे स्केल का 5% अधिक वेतन मिलेगा, 8 साल वाले कर्मचारियों को 10% अधिक वेतन की घोषणा, 8 साल से ज्यादा पुराने कर्मचारियों को 15% से ज्यादा वेतन, 50,000 रुपए से अधिक वेतन वाले कर्मचारियों को फायदा नहीं, केंद्र की योजनाओं से स्पॉन्सर कर्मचारियों को लाभ नहीं। इसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत सभी अनुबंधित कर्मचारियों सहित हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत सभी अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाएं सेवानिवृत्ति के अवधि तक सुरक्षित करने का, चाहे वो आउटसोर्सिंग है और चाहे वो HKRN के माध्यम से है, ऐसे सब कर्मचारियों को जिसका हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 1,20,000 कर्मचारियों को सुरक्षित करने का निर्णय आज एक एक्ट के माध्यम से हमारी कैबिनेट ने लिया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले की सरकार अनुबंध कर्मचारियों को लॉलीपॉप देती रही, लेकिन भाजपा सरकार कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए एक्ट लेकर आई है। सरकार ने साल 2014 में ही कर्मचारियों के लिए एक्ट पास कर दिया था। बहरहाल चुनावी समर के बीच सूबे की सरकार घोषणाएं करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही, लेकिन लोकसभा के चुनाव के परिणामों के बाद तो ये बात साबित हो गई कि प्रदेश में साल 2024 के विधानसभा चुनाव के फतह की डगर इतनी आसान रहने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा।